जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, एरिया वाइज रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वहीं पे कनाडा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एज भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। कनाडा एरिया वाइज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी बहुत रेयर ही होता है जब कनाडा किसी जियो पोलिटिकल समिट में शामिल हो या फिर किसी रैंकिंग में अंडर टॉप 5 आए। वहीं पे बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो नॉर्वे इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वहीं दुनिया की कोई भी रैंकिंग उठाकर देखा जाए, चाहे हैप्पीनेस रिपोर्ट या ऑनेस्ट मीडिया रिपोर्टर्स की रैंकिंग, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे यूरोपियन कंट्रीज ऑलवेज टॉप 5 में दिखते हैं। लेकिन नेचुरली इन कंट्रीज के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ इतना ठंड पड़ता है कि जितना गैस यहाँ के घरों में खाना बनाने में यूज किया जाता है, उससे ज़्यादा गैस इनके घरों को गर्म करने में खर्च होता है। फरवरी 2022 तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 24 फरवरी 2022 से जब से यूक्रेन और रसिया का वार स्टार्ट हुआ है, एकदम से हालात बदल गए, बात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब यूएसए और यूके ने रसिया पर भर भर के सेंसन्स लगाना स्टार्ट कर दिए। इसी बीच स्विफ्ट एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज रसिया को पेमेंट किया करते थे, उसको भी बैन कर दिया गया। यानी कि अब रसिया और यूरोपियन कंट्रीज का व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था। We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. हालांकि यूक्रेन, जो कि खुद एक यूरोप का हिस्सा है, जब इस पे रसिया ने वार स्टार्ट कर दिया, तो यूरोप के लोग उन्हीं घरों में बैठकर जहां की अभी भी रसिया के द्वारा दिया गया गैस यूज हो रहा था, बायकॉट रसिया करने लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में लोग चाइनीज फोन लेकर बायकॉट चाइना ट्रेंड करा देते हैं। अगर यूरोप की बात करूं तो इसमें कुल 44 कंट्रीज हैं, और इन पूरे कंट्रीज के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अब ये पेट्रोल या डीजल कहां से इंपोर्ट करेंगे। ऐसे में इंडिया ने डिसाइड किया कि अब वो यूरोप को तेल बेचेगा। देखना, अभी आपके भी दिमाग का तार हिल जाएगा जब आपको पता चलेगा कि भारत, जो कि अपनी आवश्यकता का 90% क्रूड ऑयल खुद गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, खरीदता है, अब वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं बल्कि यूरोप को तेल बेचेगा। हाउ इट विल बी पॉसिबल एंड क्या स्ट्रेटजी है इसकी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मेजर कंट्रीज जहां से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है वो है इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरात्स, नाइजीरिया और यूएसए। भारत रसिया से तो 0.221% ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन रसिया और यूक्रेन के बाद गल्फ कंट्रीज ने क्रूड ऑयल की प्राइजेज $100 पर बैरल से बढ़ाकर $140 पर बैरल तक कर दी, जिससे कि मार्च और अप्रैल के मंथ में इंडियन मार्केट में भी पेट्रोल और डीजल की प्राइजेज ₹1 डेली के हिसाब से बढ़ रही थी। इधर इंडियन गवर्नमेंट परेशान थी कि इतना महंगा क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ रसिया इसलिए परेशान था कि उसका क्रूड ऑयल कहीं पे भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। फिर इंडिया और रसिया ने एक टाई अप किया, और रसिया ने कहा कि जो क्रूड ऑयल आप गल्फ कंट्रीज से $140 पर बैरल खरीद रहे हैं, वही हम आपको $100 पर बैरल में देंगे। फिर इंडिया ने कहा कि गल्फ कंट्रीज तो हमारे बगल में ही है, जब ऑयल की जरूरत पड़ेगी पर्सियन गल्फ और अरेबियन सी से होते हुए जहाज हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। वही अगर रसिया से ऑयल आएगा तो साउथ चाइना सी वाले रूट से आएगा, जो कि काफी लॉन्ग रूट होगा। फिर रसिया ने कहा कि हम आपको एडिशनल 30% का डिस्काउंट देंगे, यानी जो क्रूड ऑयल आपको गल्फ कंट्रीज से $140 पर बैरल से मिलता है, वही हम आपको $70 पर बैरल के हिसाब से देंगे। वही साथ ही अपन बिजनेस डॉलर में नहीं बल्कि रूबल और रूपी में करेंगे। इंडिया जहां पहले अपनी कुल इंपोर्ट का 1% ही रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, अभी यह बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। मेरे मन में एक सवाल उठ ही रहा था कि जब क्रूड ऑयल इतना ही सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना इंडियन मार्केट में भी ऑयल प्राइजेस कम कर दिया जाए। तभी मैंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का ये स्टेटमेंट सुना कि अब पेट्रोल और डीजल इंडियन मार्केट में भी एकाएक 8 से 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई है। As Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a sharp cut in the central excise duty on fuel prices amid the surging inflation
The central excise duty on petrol has been cut by 8 rupees a liter and the same on diesel has been cut by 6 a liter. अब भारत रसिया से क्रूड ऑयल मंगाकर जामनगर की रिफाइनरी में इसे रिफाइन करके वापस इसे यूरोप को बेच रहा है। एक डेटा की बात करें तो डेली इंडिया यूरोप को 2.19 लाख बैरल डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या इन सब के खिलाफ यूएसए कोई सेंसेंस नहीं लगा सकता क्या इंडिया पर? तो हाँ, लगा तो सकता है। और जो बिडेन सोच भी रहे होंगे कि इंडिया पे कोई सेंसेंस लगाया जाए या कुछ प्रेशर क्रिएट किया जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अनुसार इंडिया केवल बिजनेस कर रहा है और ये बिजनेस करना दुनिया के सभी लगभग 200 देशों का राइट है। लेकिन अगर WTO इसमें कुछ इंटरफेयर करता है तो दुनिया में दो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। पहला तो रसिया के क्रूड ऑयल कंपनीज में ताला लग जाएगा और दूसरा यूरोप में गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वहां पे एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा और तो और ठंड से वहां लोग मरने लगेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया रसिया के रिलेशनशिप की। तो ये इंडिया रसिया ट्रेड पार्टनरशिप कोई आज का नहीं है, इसकी जड़ें जब से भारत आजाद हुआ है तब से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में व्यापार के लिए जो करेंसी यूज होती है वो डॉलर है, यानी इंडिया अगर बाहर के किसी देश से कुछ इम्पोर्ट करता है तो वो पेमेंट रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया बाहर के किसी देश को कुछ एक्सपोर्ट करता है तो पेमेंट एक्सेप्ट भी करेगा वो रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में। किसी दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में किसी भी देश की लोकल करेंसी काम नहीं आती है। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो भारत के पास इतना डॉलर नहीं था कि वो किसी बड़े देश से कुछ भी इंपोर्ट कर सके। तो रसिया उन गिने चुने देशों में से एक था जिसने इंडिया को रुपए में पेमेंट करने की आजादी दी। और दूसरा, 1971 के वार में भी रसिया ने इंडिया का काफी हेल्प किया था। और तीसरा, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे पे रसिया एकमात्र ऐसा देश रहा है जो इंडिया के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। वहीं इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जब तक सत्ता में थे तब तक तो कुछ कर नहीं पाए, सत्ता से जाने के बाद हर जगह इंडिया की तारीफ करते फिरते हैं कि इंडिया की जो विदेश नीतियां हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। इसका एग्जांपल आप हाल ही में हुए क्वाड समिट में देख सकते हैं कि कैसे दुनिया के बड़े देश इंडिया को रिकमेंड कर रहे हैं। YouTube भी उन वीडियोस को ही केवल रिकमेंड करता है जिस पे लाइक और शेयर ज्यादा होते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल Alok Singh 061। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।